हेलो गाइस, टेक्नोफार्म में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनी पे कार्ड के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है धनी पे कार्ड। तो दोस्तों, इसमें एक अपडेट जैसे कि आया है, काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हैं, धनी पे कार्ड और धनी सुपर सेवर कार्ड, ये दोनों में से क्या अंतर है और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि कार्ड में कोई अंतर नहीं, जो आपका पहला कार्ड था धनी पे कार्ड, उसी को सिर्फ अपग्रेड कर दिया, उन्होंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया है और उस पर एक मतलब जो है ऑफर इन्होंने एक रख दिया। मतलब आप जो है इसको इम्प्रूवमेंट समझ सकते हैं धनी की तरफ से। किसे अब क्या होगा कि अगर आप जो है धनी सुपर सेवर कार्ड अगर आप लेते हैं, आपका पुराना जो कार्ड है पहले से धनी पे कार्ड, उसी को अगर आप जो है कन्वर्ट कराते हैं सुपर सेवर कार्ड में, तो उसमें करना कुछ नहीं, सिंपली आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपका जो है धनी पे कार्ड से आपका धनी सुपर सेवर कार्ड हो जाएगा। उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसमें जैसे कि आपको 5% का कैशबैक मिलता है हर ट्रांजेक्शन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे, क्या मतलब जो है इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्या आपको इसमें कोई बेनिफिट्स मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम धनी सुपर सेवर कार्ड के बारे में बात कर लें तो क्या इसमें जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, सबसे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे कि आप अगर आपके पास पहले से ही धनी पे कार्ड है तो उसको ही आप अगर कन्वर्ट कराना चाहते हैं धनी सुपर सेवर कार्ड में, तो उसमें सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ एक जो है सब्सक्रिप्शन इनका लेना होगा, 250 रुपये मंथली, 250 रुपये मंथली का ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके बाद आपको उसमें एक बेनिफिट्स ये मिलता है कि आप कहीं पर भी मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, हर ट्रांजेक्शन पर आपको 5% का इंस्टेंट कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक ये बेनिफिट्स आपको मिलता है, तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा भी बेनिफिट्स है, मुझे काफ़ी ये अच्छा भी लगा कार्ड। मतलब जो है इंडिया बुल्स की तरफ से काफ़ी दिनों के बाद मुझे ये एक अपडेट इनका ये अच्छा लगा कि मतलब इन्होंने कोई ऑफर दिया है। हालांकि हम बताएंगे जो 250 रुपये इनके सब्सक्रिप्शन है उसमें भी आपका मतलब कोई घाटा नहीं होगा, आपका लॉस वगैरह नहीं होगा, उसमें भी आपका फ़ायदा ही होगा। तो जैसे कि आपके पास पहले से ही कोई पुराना कार्ड है धनी पे का, तो आप उसी को सिर्फ खाली अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका जो है धनी सुपर सेवर कार्ड हो जाएगा। वो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको उसमें जो है बेनिफिट्स ये मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मतलब किन लोगों को ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है ये कार्ड। तो मतलब जो लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब मान के चलिए मंथली 10,000 का या 20,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये फायदेमंद है कार्ड। इसमें हर ट्रांजेक्शन पर आपको 5% का जो कैशबैक मिलेगा, मान लीजिए आप पूरे महीने में 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 10,000 पे अगर आप 5% का जो है कैशबैक निकालेंगे तो आपके 500 रुपये बनेंगे 10,000 पे। तो 10,000 पे अगर आपके 500 बनेंगे तो उसमें आपका 250 रुपये आपका हो जाएगा, जो इनका सब्सक्रिप्शन होगा मंथली वो आपका हो जाएगा, फिर भी आपको 250 रुपये इसमें बचेंगे। अगर आप ऐसे ही जो है 20,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं मंथली, तो उसमें आपका 1,000 रुपये मतलब हो जाएगा 5% के हिसाब से, तो आपके 1,000 में 250 रुपये निकल जाएंगे आपके सब्सक्रिप्शन के, जो आप इनका प्लान लेंगे उसके साथ साथ आपको 750 रुपये का उसमें बेनिफिट्स होगा। तो मतलब इस कार्ड पे उन्हीं लोगों को फायदा है जो लोग मंथली कम से कम 10,000 रुपये का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस पर आपको 500 रुपये का जो 5% का जो इनका कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। मतलब 10,000 पे 500 आपके बचेंगे, कैशबैक में आपके आ जाएंगे वॉलेट में। तो मतलब यहाँ पर उनके लिए लॉस नहीं है जो लोग जो है मतलब मंथली 10,000 का या 20,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं। 10,000 से अगर ऊपर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको लॉस इसमें नहीं है, अगर आप 10,000 के नीचे का ट्रांजेक्शन करते हैं मंथली तो आपका इसमें लॉस है, आपको इस कार्ड पे सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, जो लोग इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं उनको ट्रांजेक्शन करने के लिए उनको दो काम करने पड़ते हैं, या तो जो उनका वॉलेट होता है धनी वॉलेट में आपको पैसे ऐड करना होंगे, जब आप पैसे ऐड कर लेंगे तब भी आप इस कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ या तो आप जो है धनी क्रेडिट लाइन लिमिट से अगर आपको कोई जो है लोन का ऑफर मिलता है तब आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड के जरिए से। लेकिन ये धनी क्रेडिट लाइन लिमिट तो एकदम बेकार है, यहाँ पर अगर आपको यूज़ करना है तो आप नॉर्मली अपने डेबिट कार्ड के जरिए से इसके वॉलेट में पैसे ऐड करिए, उसके बाद आप इस कार्ड से यूज़ करिए, उसमें आपको जो है 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से मतलब जो है धनी के वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं उसके बाद आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे हो तो जाएंगे, लेकिन उस पर उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह चार्जेस वगैरह उस पर अलग लगेंगे। तो इसलिए उतने ही पैसे आप जो है इसमें डालिएगा अपने वॉलेट में धनी के, जितने आप यूज़ करना हो आपको, तो उससे ज़्यादा आप ना डालें। मान लीजिए अगर आप ज़्यादा डाल लेते हैं तो बाद में अगर आप जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं धनी के वॉलेट से, अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आपके चार्जेस लग जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, जितना यूज करें उतना ही आप वॉलेट में ऐड करें, उससे ज्यादा आप ऐड ना करें। तो इसलिए मुझे भी ये ऑफर काफी अच्छा लगा धनी वालों का, क्योंकि काफी टाइम के बाद इनका एक ये ऑफर मुझे अच्छा लगा। वरना इनके घटिया घटिया अपडेट आते हैं एप्लीकेशन पे भी, और इनका जो पर्सनल लोन का जो टाइप था, पहले पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो टाइप था वो भी अब हटा दिया गया है, और जो इनकी धनी क्रेडिट लाइन लिमिट है वो तो एकदम बेकार मुझे लगती है। तो अब अगर आपको जो है धनी की तरफ से कोई सर्विस चाहिए हो तो ये सर्विस एक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और आपको इसमें मतलब कोई लॉस वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।